हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड सेम वेव्स एंड ऑप्टिक्स 1 यूनिट 4 के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है फ्राउनहोफर डायफ्रेक्शन बाय एंड स्लिट्स, जिसको हम प्लेन डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग भी बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि आपको बहुत ही आसान वर्ड्स में कोई भी टॉपिक जो है वो प्रेजेंट किया जाए, ताकि आपको समझने में आसानी रहे और एग्जाम में लिखने में आसानी रहे। जितना आप आसान लैंग्वेज में जितना आप उसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे टॉपिक को एग्जाम के अंदर, तो एग्जामिनर जो है वो आपको पूरे मार्क्स देने से कभी भी झिझकेगा नहीं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको ये टॉपिक स्टार्ट करूँ, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यूनिट 4 का ये तीसरा टॉपिक है, इससे पहले फ्राउनहोफर डायफ्रेक्शन एट अ सिंगल स्लिट एंड फ्राउनहोफर डायफ्रेक्शन एट डबल स्लिट जो है हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, वो टॉपिक जो है वो आपको देखने बहुत जरूरी है, खासकर पहला टॉपिक फ्राउनहोफर डायफ्रेक्शन एट अ सिंगल स्लिट वाला, क्योंकि वहीं से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग को आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आपने सिंगल स्लिट डायफ्रेक्शन वाला टॉपिक नहीं देखा होगा। तो स्टूडेंट, जितने भी टॉपिक्स हैं यूनिट 4 के, उन सबका लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो अपलोड हो चुके हैं। पहले आप वो देखिए, उनको देखने के बाद यहाँ पर आइए, क्योंकि सिंगल स्लिट डायफ्रेक्शन वाले टॉपिक के डायरेक्ट रिजल्ट्स यहाँ पर हम यूज करेंगे, उसी कंसेप्ट को आगे फर्दर अप्लाई करेंगे एंड स्लिट्स के लिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले पढ़ते हैं कि प्लेन डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग आखिरकार होती क्या है, एंड स्लिट्स का मतलब क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, प्लेन डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें हम बहुत सारी स्लिट्स को साइड बाय साइड पैरेलली जो है अरेंज कर देते हैं, और जो डिस्टेंस रहता है स्लिट्स के बीच में वो कॉन्स्टेंट रहता है, और दो स्लिट्स के बीच में एक ओपेक पोर्शन रहता है, और उस ओपेक पोर्शन की जो थिकनेस होती है, विड्थ होती है, वो सब स्लिट्स के लिए सेम होती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि प्लेन डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग आखिर बनाई कैसे जाती है। तो अगर आप प्लेन डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा एक प्लेन ग्लास शीट। तो आपको एक प्लेन ग्लास शीट ले लेनी है, उसके ऊपर आपने क्या करना है, फाइन डायमंड पॉइंट की हेल्प से लाइंस रूल आउट कर देनी है। फाइन डायमंड पॉइंटेड डायमंड लेना है, मान लीजिए ये फाइन पॉइंटेड डायमंड है, उसकी हेल्प से आपने यहाँ पर जो है लाइंस जो है वो रूल्ड कर देनी है। ये जो लाइंस होंगी ये ओपेक पोर्शंस का काम करेंगी, यहाँ से लाइट जो है वो पास नहीं हो सकती, यहाँ से पास नहीं हो सकती, इस लाइन से पास नहीं हो सकती। दो लाइनों के बीच में जो स्पेस होगा खाली, ये वाला स्पेस, ये जो है ट्रांसपेरेंट रहेंगे लाइट के लिए, और लाइट जो है वो यहाँ से पास कर जाती है। तो हमारे पास बहुत सारी स्लिट जो है वो पैरेलली अरेंज हो जाती हैं। जनरली जो आप लाइंस रूल करते हैं वो 1 इंच में 15,000 लाइंस जो है वो रूल करते हैं, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो मीन्स 2.54 सेंटीमीटर में आपको 15,000 लाइंस के लगभग जो है लाइंस रूल आउट करनी है एक प्लेन ग्लास शीट के ऊपर। तो यहाँ पर बहुत सारी जो स्लिट्स हैं पैरेलली अरेंज हो जाती हैं, और जो ये लाइंस रूल आउट की हैं ये ओपेक पोर्शन का काम करती हैं, और दो लाइंस के बीच का जो स्पेस है ये ट्रांसपेरेंट पोर्शन का काम करता है, एज ए स्लिट काम करता है। तो इसके बाद जो आपको पॉइंट समझना है वो है ग्रेटिंग एलिमेंट। ग्रेटिंग एलिमेंट आखिरकार होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास बहुत सारी स्लिट्स जो है वो अरेंज हो जाएंगी, ये पहली स्लिट है, पहली स्लिट, दूसरी स्लिट, तीसरी स्लिट, ऐसे बहुत सारी स्लिट हैं। ये ओपेक पोर्शन है, ये ओपेक पोर्शन है, ये ओपेक पोर्शन है, ये ओपेक पोर्शन है, ये बीच में स्लिट्स हैं। इस स्लिट का मिड पॉइंट ये है, इस स्लिट का मिड पॉइंट ये है। इस स्लिट की विड्थ को हम ए मान लेते हैं, और इस ओपेक पोर्शन की विड्थ को हम बी मान लेते हैं। अगेन स्लिट की विड्थ ए होगी, अगेन ओपेक पोर्शन की विड्थ बी होगी। सारे ओपेक पोर्शन की विड्थ हमने बी ले ली, और सारी स्लिट्स की जो विड्थ है वो हमने ए ले ली, क्योंकि एंड स्लिट्स अरेंजमेंट में, प्लेन डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग वाले अरेंजमेंट में सारी स्लिट्स की विड्थ जो है वो सेम लेनी होती है। तो स्टूडेंट्स, ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होता है? ग्रेटिंग एलिमेंट होता है द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव स्लिट्स। तो दो कॉन्जिक्यूटिव स्लिट्स ले लेते हैं, पहली स्लिट हमने ये ले ली, दूसरी स्लिट ये ले ली, इनके सेंटर्स हमने ले लिए। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस बनेगा, दो कॉन्जिक्यूटिव स्लिट्स के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट। तो स्टूडेंट डिस्टेंस निकालते हैं, ये वाला, ये यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस था ए, तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस हो जाएगा ए बाय टू, प्लस बीच में ओपेक पोर्शन आ रहा है जिसकी विड्थ है बी, प्लस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगेन ए बाय टू हो जाएगा, और ए बाय टू प्लस ए बाय टू हो जाएगा ए, और ए प्लस बी हो जाएगा
ये इसको बोलते हैं हम ग्रेटिंग एलिमेंट। ये होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव स्लिट्स कहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चन आता है कि फ्राउनहोफर डायफ्रेक्शन बाय एंड स्लिट्स को डिस्कस करो और रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करो, तो आप स्टार्टिंग में बिगिनिंग में क्या लिख के आएंगे, आइए वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप बताएंगे कि एंड स्लिट क्या होता है, मींस प्लेन डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग क्या होती है और उसे हम कैसे बनाते हैं। अ प्लेन डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग इज एन अरेंजमेंट विच कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इक्विडिस्टेंट पैरेलल रेक्टेंगुलर स्लिट्स ऑफ इक्वल विड्थ एंड सेपरेटेड बाय इक्वल ओपेक पोर्शन। तो प्लेन डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें बहुत सारी इक्विडिस्टेंट पैरेलल रेक्टेंगुलर स्लिट्स होती हैं, वो भी इक्वल विड्थ की, और इनके बीच में क्या होता है ओपेक पोर्शन होते हैं वो भी इक्वल विड्थ के होते हैं। ग्रेटिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय मेकिंग इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस विद अ फाइन डायमंड पॉइंट ऑन एन ऑप्टिकली प्लेन ग्लास शीट। तो एक प्लेन डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, एक प्लेन ग्लास शीट के ऊपर अगर आप एक फाइन डायमंड पॉइंट से लाइंस ड्रॉ कर दें, इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दें, तो आपको ग्रेटिंग मिल जाती है। ये जो पैरेलल लाइंस होंगी ये वाली, ये काम करेंगी ओपेक पोर्शंस का, और दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो पोर्शन होगा दैट विल बी ट्रांसपेरेंट टू द लाइट। The ruled lines form the opaque portions to the light, while the space in between any two lines is transparent to light. The ruled lines हैं जिसको हमने diamond की help से ruled किया है एक plain glass sheet के ऊपर, वो काम करती हैं opaque portions का, और दो lines के बीच का जो distance होता है, दो lines के बीच का जो space होता है, portion होता है, वो transparent होता है light के लिए। light जो है इन transparent portions से जो है वो आगे की तरफ पढ़ सकती है और वहां से डायफ्रेक्शन हो सकता है लाइट का, और स्क्रीन पर जो है हमें डायफ्रेक्शन पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स इतना लिखने के बाद आप एक्सप्लेन करेंगे कि ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद जो है आप एंड स्लिट डायफ्रेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स और क्या लाइन्स ऐड करके आएंगे आप बिगिनिंग के अंदर इस टॉपिक के, वो देख लेते हैं। अबाउट 15,000 लाइन्स आर रूल्ड ऑन 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर ऑफ प्लेन ग्लास शीट। 15,000 लाइन्स के लगभग जो है लाइन्स ड्रॉ की जाती हैं एक प्लेन ग्लास शीट के ऊपर एक इंच के अंदर, और एक इंच जो होता है वो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है, मीन्स 2.54 सेंटीमीटर में 15,000 लाइन्स के लगभग जो है लाइन्स रूल की जाती हैं डायमंड की हेल्प से प्लेन ग्लास शीट के ऊपर, मीन्स जो हमारी स्लिट्स फॉर्म होंगी उनकी जो विड्थ होगी वो बहुत ही ज़्यादा कम होगी। अब हम बात करते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट की। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव स्लिट्स इज नोन एज ग्रेटिंग एलिमेंट एंड इज गिवन बाय ए प्लस बी। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने काफी सारी स्लिट्स फॉर्म कर दी हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी स्लिट्स अरेंज होंगी पैरेलली, ये पहली स्लिट है, ये दूसरी स्लिट है, ये तीसरी स्लिट है, ये वो ओपेक लाइन्स हैं जो हमने ड्रॉ की थी डायमंड की हेल्प से, ये दूसरी ओपेक लाइन है, ये तीसरी ओपेक लाइन है, ऐसी बहुत सारी लाइन्स होंगी ओपेक और बहुत सारी स्लिट्स होंगी। दो एक स्लिट की जो विड्थ हमने ली है वो स्मॉल ए ली है, और ओपेक पोर्शन की जो विड्थ ली है हमने बी ली है। तो ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव स्लिट्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस होता है, इस स्लिट के ए बी का सेंटर है जी और सी डी स्लिट का सेंटर है एच, तो जी से लेके एच तक जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट। नाउ हाउ यू फाइंड जी एच, आइए वो देख लेते हैं। यहां से लेके यहां तक ए है, तो जी से लेके बी तक कितना हो जाएगा ए बाय टू, क्योंकि जी जो है वो ए बी के बिल्कुल मिडल में है, और बी सी कितना है बी है, और सी एच कितना हो जाएगा क्योंकि एच जो है वो सी डी के बिल्कुल मिड पॉइंट में है, तो सी एच हो जाएगा ए बाय टू। तो ग्रेटिंग एलिमेंट यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होगा दैट विल बी ए बाय टू प्लस बी प्लस ए बाय टू दैट इज ए प्लस बी। ये आपको शो नहीं करके आना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि आखिरकार ए प्लस बी क्या है, कैसे आया ग्रेटिंग एलिमेंट। तो थ्योरी लिखने के बाद अब हम बात करेंगे कि डायफ्रेक्शन कैसे होता है एंड स्लिट्स के थ्रू, मीन्स प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग जो है वो कैसे डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना को शो करके देती है, ये देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 4 का वेव्स एंड ऑप्टिक्स 1 के अंदर। तो स्टूडेंट्स थ्योरी में आप क्या लिख के आएंगे, थ्योरी में आप ये लिख के आएंगे कि हमने एक प्लेन डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग ली जिसमें एंड स्लिट जो है वो पैरेलली अरेंज्ड है, हर एक स्लिट की विड्थ ए है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है स्लिट्स के बीच का वो भी इक्वल है बी है, दो स्लिट्स के बीच का सेपरेशन बी है, अगली दो स्लिट्स के सेपरेशन भी बी है, अगली दो स्लिट्स के बीच का सेपरेशन भी बी है, और हर एक स्लिट की विड्थ जो है वो ए है। तो हमने कुछ ऐसा अरेंजमेंट ले लिया, ऐसा बहुत सारी स्लिट्स ले ली, और इसके ऊपर अब हम फॉल करवाएंगे एक प्लेन वेव फ्रंट, और उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा एक सोर्स एस मोनोक्रोमेटिक लाइट का, जो कि हर डायरेक्शन में जो है वो लाइट वेव्स को एमिट करेगा, जैसा कि हमने सिंगल स्लिट एंड डबल स्लिट डायफ्रेक्शन के केस में लिया था। और यहाँ से जो डाइवर्जिंग बीम होगी इसको पैरेलल बीम में कन्वर्ट करवाने के लिए हमें एक लेंस लगाना पड़ेगा कन्वर्जिंग लेंस। तो जब
ये डाइवर्जिंग लाइट बीम्स इसके ऊपर पड़ेंगी तो ये पैरेलल कर दी जाएंगी, मींस एक प्लेन वेव फ्रंट अगर हम इस प्राइमरी वेव्स के ऊपर एक प्लेन ड्रॉ कर दें तो ये प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा WW डैश, वो हमने फॉल करवाया है इस प्लेन डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग के ऊपर मींस एंड स्लिट्स के ऊपर। इतना पोर्शन आपको डायग्राम में शो करने की जरूरत नहीं है, इसके आगे का पोर्शन आपको एक्सप्लेन करना है तो ये पोर्शन जो है वो हम स्किप कर देते हैं, यहाँ पे हमने वो ड्रॉ नहीं किया अपने मेन डायग्राम के अंदर। तो स्टूडेंट्स होगा क्या, जब प्लेन वेव फ्रंट जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है इस एंड स्लिट्स के ऊपर फॉल करेगा तो हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है कि हर एक पॉइंट जो है स्लिट का वो एक नए फ्रेश सोर्स का काम करेगा और हर एक पॉइंट से स्लिट के हर एक पॉइंट से जो है सेकेंडरी वेवलेट जो है वो आगे आगे एमिट होंगी। तो हर एक पॉइंट से जो है वो वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट आगे आगे एमिट होंगे, इस तरह से इस स्लिट में से भी निकलेंगे, इस तरह से इस स्लिट में से भी निकलेंगे। अगर हम इन वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ कर दें तो आपको डिफरेंट सेट्स ऑफ पैरेलल रेज देखने को मिलेंगे, जैसे कि कोई सेट होगा हमारे पास जो कि बिना डायफ्रेक्ट हुए निकल जाएगा इन स्लिट से, मींस इंसिडेंट डायरेक्शन इंसिडेंट लाइट बीम के पैरेलल निकल जाएगा और वो सारे के सारे पैरेलल रेज जो हैं जो कि अनडायफ्रेक्टेड जाएंगी सीधी निकल जाएंगी वो ओ पॉइंट पर फोकस की जाएंगी एक और लेंस एल के द्वारा, और ओ पॉइंट पर जितनी भी ये सेकेंडरी वेवलेट्स पहुंचेंगी इन स्लिट से निकलकर वो क्या करेंगी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी बिफोर रीचिंग एट पॉइंट ओ, इसलिए ओ पॉइंट पर जो है आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को मिलेगी और ओ पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रल मैक्सिमा। इन पैरेलल सेट्स ऑफ रेज के अलावा जो कि इंसिडेंट डायरेक्शन के पैरेलल है आपको और भी बहुत सारे पैरेलल सेट्स ऑफ रेज देखने को मिलेंगे जो अलग अलग एंगल्स पर डायफ्रेक्ट हो जाएंगे इन स्लिट्स के द्वारा। हमने एक ऐसा ही पैरेलल सेट ऑफ रेज डिस्कस कर लिया सेकेंडरी वेव्स का जो कि थीटा एंगल पर डायफ्रेक्ट हो रहा है, यहाँ पर डायफ्रेक्टिंग एंगल थीटा, ये सारी रेज जो है वो थीटा एंगल पर डायफ्रेक्ट होंगी और सारी की सारी रेज जो है आफ्टर कन्वर्जिंग बाय दिस लेंस एल विल मीट एट पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन एक्स वाई, और स्क्रीन एक्स वाई को हमने इस लेंस एल के फोकस पर रखा हुआ है। तो आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग में आप क्या लिख के आएंगे। Consider a plane transmission grating having n parallel slits each of width a and separated by a distance b. तो हमने एक plane transmission grating consider की जिसमें बहुत सारी slits हैं, n slits हैं actually 15,000 slits हैं एक inch के अंदर, तो उसको हम n slits का नाम दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर slits का number जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत कम space में बहुत ज़्यादा slits हैं। हर एक slit की width जो है हमने a assume कर ली और दो consecutive slits के जो बीच का separation है वो small b है। Let a plane wavefront of wavelength lambda be incident normally on grating. तो यहाँ से हम एक और convex lens यहाँ पर लगा होता है और जहाँ पर source होता है उस lens की help से यहाँ पर एक plane wavefront जिसका wavelength lambda है इस plane transmission grating के ऊपर fall करवाते हैं, means end slits के ऊपर fall करवाते हैं। According to Huygens principle, every point on each slit emits secondary wavelets in all directions. हर एक point से स्लिट के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे और हर एक पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी और सेकेंडरी वेवलेट जो है वो फर्दर आगे की तरफ मूव करेंगी स्क्रीन एक्स वाई की तरफ। ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स विच गो अनडायफ्रेक्टेड ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस बिफोर बीइंग फोकस एट पॉइंट ओ ऑन द स्क्रीन एक्स वाई प्लेस एट द फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस एल टू फॉर्म सेंट्रल मैक्सिमा एट ओ। जितनी भी सेकेंडरी वेवलेट्स होंगी जो बिना डायफ्रेक्ट हुए सीधी निकल जाएंगी वो इस लेंस एल के द्वारा स्क्रीन एक्स वाई के ओ पॉइंट पर फोकस होंगी और ओ पॉइंट पर फोकस होने से पहले ये सारी की सारी अनडायफ्रेक्टेड रेज जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करके आएंगी, इनके लिए एंगल ऑफ डायफ्रेक्शन थीटा जो है वो जीरो होगा और यहाँ पर आपको सेंट्रल मैक्सिमा देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद की थ्योरी और इसके बाद का जो हमारा एक्सप्रेशन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट थ्योरी ऑफ डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग में आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा आखिरकार फ्रॉनहोफर डायफ्रेक्शन एट अ सिंगल स्लिट में आखिरकार हमने किया क्या था। वहां पर हमने एक सिंगल स्लिट ली थी ए बी और वहां पर एक सोर्स एस के द्वारा निकलने वाली डाइवर्जिंग बीम को एक कन्वेक्स लेंस के द्वारा पैरेलल बीम में कन्वर्ट करवाने के बाद एक प्लेन वेव फ्रंट हमने फॉल करवाया था एक सिंगल स्लिट ए बी के ऊपर और जितनी भी वेव्स थी जो बिना डायफ्रेक्ट हुए निकल गई थी वो ओ पॉइंट पर मीट हो रही थी और यहाँ पर आपको सेंट्रल मैक्सिमा देखने को मिल रहा था और जितनी भी सेकेंडरी वेवलेट्स अलग अलग पॉइंट्स ऑफ स्लिट ए बी से निकली थी वो सारी की सारी थीटा एंगल पर डायफ्रेक्ट होने के बाद पी पॉइंट पर मिल रही थी और
इन सारी सेकेंडरी वेवलेट जो सारी की सारी थीटा एंगल पर डायफ्रैक्ट होंगी, ऐसी बहुत सारी वेव्स होंगी, पैरेलल वेव्स, चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो, ऐसी बहुत सारी वेव्स होंगी जो अलग अलग पॉइंट से निकलेंगी स्लिट ए बी के, और थीटा एंगल पर डायफ्रैक्ट होकर पी पॉइंट पर मिलेंगी। यहाँ पर हमारे पास एक स्लिट थी, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी स्लिट्स हैं, तो इतनी सारी स्लिट्स को डिस्कस करना आसान नहीं है, तो हम सिंगल स्लिट का यूज करके अपना एन स्लिट डायफ्रैक्शन की थ्योरी जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने उस टॉपिक में निकाला था कि इन सारी सेकेंडरी वेवलेट्स जो कि थीटा एंगल पर डायफ्रैक्ट हुई हैं वो पी पॉइंट पर कितना एम्पलीट्यूड बना रही हैं, वो ए साइन अल्फा बाय अल्फा एम्पलीट्यूड फॉर्म कर रही हैं, जहां पर 2α जो है वो फेज डिफरेंस है इन सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच में, जो कि एक्सट्रीम पॉइंट्स ए एंड बी से निकली हैं स्लिट ए बी के, इन दोनों वेव्स के बीच में जो एक्सट्रीम पॉइंट से निकलकर पीक पॉइंट पर मिल रही हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस था 2α, और 2α की वैल्यू हमने वहां पर ड्राइव की थी जो कि निकल के आई थी 2π/λ a sin थीटा। मैंने उस वीडियो में जो स्लिट विड्थ ली थी वो स्मॉल e ली थी, तो वहां पर 2π/λ e sin थीटा आया था, अगर आपको याद हो। आज हम स्लिट विड्थ a ले रहे हैं, तो हम e की जगह a लेंगे, तो आपको याद रखना है कि 2α की वैल्यू क्या है, 2π/λ a sin थीटा, और पीक पॉइंट पर एक सिंगल स्लिट के कारण कितना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फॉर्म होगा, दैट विल बी ए साइन अल्फा बाय अल्फा, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो हम सारी सेकेंडरी वेवलेट्स के सोर्स को एज्यूम कर लेते हैं कि वो एक स्लिट के सेंटर पर प्रेजेंट है। इस स्लिट ए बी में से जितनी भी सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रही हैं थीटा एंगल के ऊपर डायफ्रैक्ट हो रही हैं, वो सारी की सारी ओरिजिनेट हो रही हैं इस सोर्स एस वन से, जो कि हमने स्लिट ए बी के मिडिल पॉइंट पर रख दिया, सेंटर पर रख दिया है। तो स्टूडेंट्स, इन सारी सेकेंडरी वेवलेट्स का जो रिजल्टेंट वेव होगी, उस वेव को हमने एक सिंगल वेव से रिप्रेजेंट कर दिया, और इस सिंगल वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा ए साइन अल्फा बाय अल्फा। इस वेव को मैं वेव नंबर 1 दे देता हूं, क्योंकि ये सोर्स एस वन में से निकल रही है, जो कि पहली स्लिट ए बी के सेंटर पर प्रेजेंट है। इसी प्रकार से सी डी की हर एक पॉइंट से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स जो कि थीटा एंगल पर डायफ्रैक्ट हो रही हैं, उनको हम मान सकते हैं कि वो सोर्स S2 में से निकल रही हैं, और इस सोर्स S2 इस सी डी स्लिट के हर एक पॉइंट से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स को हम एक सिंगल वेवलेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो इस सोर्स S2 से निकलेगी, और वेव नंबर 2 जो होगी हमारी, उसका एम्पलीट्यूड भी कितना होगा, ए साइन अल्फा बाय अल्फा। इसी प्रकार से जितनी भी एन स्लिट्स होंगी उन सबका रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो ए साइन अल्फा बाय अल्फा होगा, क्योंकि हमने सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन में पढ़ा था कि एक स्लिट के कारण जो किसी भी स्क्रीन के ऊपर आपको पॉइंट के ऊपर आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देखने को मिलता है वो ए साइन अल्फा बाय अल्फा होता है। यहाँ पर सोर्सेज एस वन एस टू एस थ्री जो है वो कोहेरेंट सोर्सेज का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल प्लेन वेव फ्रंट ने इन सोर्सेज को प्रोड्यूस किया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर डायफ्रैक्शन तो होगा ही होगा कॉर्नर्स में, इन सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच में इंटरफेरेंस भी होगा, जिसके कारण आपको यहाँ पर दो दो फिनोमेना दिखाई देंगे, इंटरफेरेंस भी और डायफ्रैक्शन भी, और जो आपका डायफ्रैक्शन पैटर्न होगा अल्टीमेटली जो आपको स्क्रीन पर मिलेगा वो इन्हीं दोनों अफेक्ट, डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस का कंबाइंड अफेक्ट होगा। और एन स्लिट्स के केस में इन सारी एन वेव्स, वेव नंबर 1, वेव नंबर 2, वेव नंबर 3, ऐसी nth वेव होगी, इन सारी वेव्स का जिसका एम्पलीट्यूड ए साइन अल्फा बाय अल्फा है, हर एक वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है ए साइन अल्फा बाय अल्फा है, उन सभी वेव्स का पीक पॉइंट पर कितना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो भी हमने ड्राइव करना है, और पीक पॉइंट पर मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा उसकी कंडीशंस भी आज के टॉपिक में हमें फाइंड करनी है। तो चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं और देखते हैं कि थ्योरी ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में आप और क्या ऐड करके आएंगे। ये डायग्राम आपको एग्जाम में नहीं बनाना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। द सेकेंडरी वेवलेट्स विच गेट डायफ्रैक्टेड एट एन एंगल थीटा आर फोकस एट पॉइंट पी ऑन स्क्रीन एक्स वाई बाय लेंस एल। देखिए स्टूडेंट, जो सेकेंडरी वेवलेट बिना डायफ्रैक्ट हुए जा रही थी वो लेंस एल के द्वारा ओ पॉइंट पर फोकस हो रही थी, और वहां पर सेंट्रल मैक्सिमा देखने को मिल रहा है, और जितनी भी सेकेंडरी वेवलेट्स इन सोर्सेज एस वन एस टू एस थ्री एस फोर में से निकलकर ऐसी nth सोर्स होगा एस एन, उन सब में से सेकेंडरी वेवलेट्स निकल के थीटा एंगल पर डायफ्रैक्ट होंगी, वो सारी की सारी जो है वो पी पॉइंट पर फोकस होंगी बाय दिस लेंस एल। From our knowledge of Fraunhofer diffraction at a single slit, the secondary wavelets from all points in a slit diffracted at an angle theta are equivalent to a single wave of amplitude A naught is equal to A sin alpha by alpha। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, जहां पर 2 अल्फा है 2 पाई बाय लैम्डा ए साइन थीटा, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। वेयर 2 अल्फा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी वेव्स फ्रॉम एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ अ स्लिट। हमने फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट पढ़ा हुआ है, पूरा अच्छे डिटेल में समझा रखा है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिए। तो वहां पर हमने पढ़ा था कि एक सिंगल स्लिट से जितनी भी सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी
उनके कारण जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलता है पी पॉइंट पर वो इतना मिलता है। तो ए बी स्लिट से जितनी भी सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी उनको हम एक वेव के बराबर मान लेंगे, एक वेव के बराबर मान लेंगे जिसका एम्पलीट्यूड होगा ए साइन अल्फा बाय अल्फा, और वो सारी सेकेंडरी वेवलेट्स हम मानेंगे तो थीटा एंगल पर डायफ्रेक्ट हो रही है वो सोर्स S1 में से निकल रही है, सेम इज द केस फॉर सोर्स S2, सेम इज द केस फॉर सोर्स S3, और हर एक वेव का जो है यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसी अनथ वेव होगी उन सबका एम्पलीट्यूड ए साइन अल्फा बाय अल्फा होगा। और टू अल्फा क्या है, टू अल्फा है यहाँ पर इन दोनों पॉइंट जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं स्लिट ए और बी से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच में कितना फेज डिफरेंस है वो है यहाँ पर टू अल्फा, जो कि आपको याद रखना है इस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स इसके बाद की थ्योरी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पी पॉइंट पर जितनी भी रेज इन सोर्सेज S1, S2, S3, S4 से निकलकर थीटा एंगल पर डायफ्रेक्ट होकर पी पॉइंट पर मिलेंगी वहां पर मैक्सिमा फॉर्म होगा या मिनिमा फॉर्म होगा, इसके लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस किसके बीच में, S1 एंड S2 में से निकलने वाली सोर्सेज से निकलने वाली रेज के बीच में। जो पाथ डिफरेंस जो फेज डिफरेंस S1 S2 से निकलने वाली रेज के बीच में होगा मींस 1 एंड 2 के बीच में होगा वही पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस सेकंड एंड थर्ड रे के बीच में होगा। जो सोर्स S2 एंड S3 में से निकलेगी वही पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस जो है वो थर्ड और फोर्थ रे के बीच में होगा। जो सोर्स S4 एंड S3 एंड S4 में से निकलेगी एंड सो ऑन। तो अब हमें फाइंड करना है इन दोनों लाइट वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम S1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं S1N, तो ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। हम प्रूफ कर सकते हैं कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो इस एंगल को हमने थीटा ले लिया। तो मीन्स हमें पाथ डिफरेंस निकालना है S2N, क्योंकि S2N से आगे जो है दोनों रेस रे नंबर 1 रे नंबर 2 जो है वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए। जो एक्स्ट्रा पाथ जो ट्रेवल हुआ है यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस है दोनों रेस के बीच में वो S2N है। तो मीन्स हमें अब S1 S2N ट्रायंगल के अंदर S2N की वैल्यू फाइंड करनी है। Let S1, S2 and so on be the coherent sources at midpoints of the slits AB, CD and so on. तो हमने मान लिया कि AB slit के midpoint पर एक source S1 placed है और जहाँ से secondary wavelets emit हो रही हैं theta angle पर, ऐसी S2, CD के midpoint पर है, ऐसी S3, EF के midpoint पर है and so on. Thus we have n parallel waves diffracted at an angle theta from source S1, S2. तो पहली ray निकलेगी parallel ray 1 S1 में से, दूसरी रे निकलेगी S2 में से, तीसरी निकलेगी S3 में से, चौथी निकलेगी S4 में से, और सारी रे जो है वो पैरल होंगी और सारी की सारी सेम एंगल ऑफ डायफ्रेक्शन पर डायफ्रेक्ट होंगी, दैट इज थीटा। पाथ डिफरेंस बिटवीन रे 1 एंड 2 इज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल S1 S2N के अंदर परपेंडिकुलर हमारा है S2N और हाइपोटेन्यूज है हमारा S1 S2। S2N divided by S1 S2 equal to S2N divided by S1 S2। S1 से लेके S2 के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, A by 2 यहाँ तक और B यहाँ तक और फिर A by 2 यहाँ तक, मीन्स टोटल हो जाएगा A plus B। तो S1 S2 के बीच में डिस्टेंस होगा A plus B, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके S2N मीन्स पावर डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी A plus B sin थीटा। ये पावर डिफरेंस निकाला हमने 1 एंड 2 के बीच में। अब हमें पता है फेज डिफरेंस और पावर डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, फेज डिफरेंस phi इज इक्वल टू होता है 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस। तो रे नंबर 1 एंड 2 के बीच में फेज डिफरेंस फाई कितना आ जाएगा, 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस, दैट इज 2π/λ इनटू S2N। तो यहां पर S2N की वैल्यू पुट कर देंगे a plus b sin थीटा, तो हमारे पास फाई की वैल्यू आ जाएगी और फाई को हम एक कांस्टेंट मान लेंगे 2β इक्वल टू 2π/λ a plus b sin थीटा। तो 2β की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, फाई को हमने 2β माना, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। तो इसके बाद हम फाइंड करेंगे ये जो हमारे पास n पर डायफ्रेक्टेड पैरेलल रेस मिली हैं जो इन सोर्सेज से निकलकर आ रही हैं पी पॉइंट पर मिल रही हैं, इन डायफ्रेक्टेड पैरेलल रेस के कारण जो एन नंबर में हैं उनके कारण पी पॉइंट पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा और रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी वो हमारा रहेगा मेन मुद्दा नेक्स्ट सेक्शन के अंदर का। तो स्टूडेंट वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तो स्टूडेंट ड्राइव करते हैं एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी, we will drive expression for intensity at point P by graphical method or polygon vector addition method. अगर आपने P point पर resultant intensity निकालनी है तो उसके लिए आपको polygon method use करना पड़ेगा। देखिए students, हम पहली wave को एक wave vector की form में represent कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये हमारा है पहली wave जिसका amplitude कितना है, और इसका amplitude कितना होगा हमारे पास a naught होगा a sin alpha by alpha। इस वेव वेक्टर का एम्पलीट्यूड यहां से लेकर यहां तक है a sin अल्फा बाय अल्फा।
दूसरी वेव जो S2 से निकली है और डायफ्रैक्ट हुई है ऐसे, इनके बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा 2 बीटा का, अभी हमने निकाला था। इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, सेम होगा A sin अल्फा बाय अल्फा। तीसरा जो होगा ऐसे, इनके बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा, 2 बीटा का होगा। इसी तरह से अगला, इनके बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा, 2 बीटा का होगा। एम्पलीट्यूड हर एक वेव वेक्टर का सेम है, A sin अल्फा बाय अल्फा, क्योंकि जितनी भी सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रही हैं S1, S2, S3 से थर्ड एंगल पर डायरेक्ट हो रही है, उन सबका एम्पलीट्यूड इतना है। इसी प्रकार से जो लास्ट सोर्स होगा हमारा nth सोर्स, वहां से जो वेव निकलेगी उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, वो होगा हमारे पास सेम A sin अल्फा बाय अल्फा। और जो हमारा रिजल्टेंट होगा P पॉइंट के ऊपर, ये सारे वैक्टर्स हो गए हमारे पास, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसी nth हो गया हमारे पास। उसके बाद जो हमारा रिजल्टेंट निकलेगा और एक प्रकार का कर्व बन गया ये, और इसका जो क्लोजिंग साइड होगी एक प्रकार का पॉलीगन बन गया ये होगा हमारा रिजल्टेंट। इन पॉइंट्स को हम नाम देते हैं पी क्यू आर एस टी यू, और इनको हम ज्वाइन कर देते हैं, इस आर्क का जो हमारा रेडियस होगी उसको हम मान लेते हैं इस पॉइंट को ओ डैश। तो स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर देते हैं, O को R से, O को S से, O को T से भी हमने ज्वाइन कर दिया। तो स्टूडेंट्स हमने O डैश को P Q R S T U V से ज्वाइन कर दिया, और O डैश जो है हमारा सेंटर बन गया इस पॉलीगन का। लेट O डैश बी द सेंटर ऑफ पॉलीगन। ये जो P Q आपको स्ट्रेट लाइन लग रही है ये एक प्रकार की सर्कुलर आर्क हम इसको मान सकते हैं। तो एंगल इज इक्वल होता है R का पॉइंट रेडियस। तो एंगल कितना होगा ये वाला हमारे पास इस O डैश P Q के अंदर, ये वाला एंगल होगा 2 बीटा। उसी तरह से ये वाला एंगल कितना होगा, 4 बीटा, क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर्स के बीच में एंगल 2 बीटा है, ये भी 2 बीटा है, ये भी 2 बीटा है। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा आपके पास, आपके पास अगर एंड स्लिट्स हों तो आपके पास फाइनल एंगल पहली और इनिशियल वेव के बीच में कितना हो जाएगा, 2n बीटा, क्योंकि यहाँ पर n नंबर ऑफ स्लिट्स हमने एज्यूम की है। तो स्टूडेंट्स एंगल हमारा 2 बीटा है इसके अंदर, और आर्क हमारी है PQ, और रेडियस कितनी है O डैश P। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PQ की वैल्यू आ जाएगी O डैश P इंटू 2 बीटा, क्योंकि बीटा जो है वो बहुत स्मॉल होता है, और स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए हम साइन थीटा को थीटा के बराबर मान सकते हैं, क्योंकि बीटा जो है वो स्मॉल है, इसलिए हम 2 बीटा को साइन 2 बीटा लिख सकते हैं। तो हम इस 2 बीटा को हम साइन 2 बीटा लिख देंगे, क्योंकि बीटा जो है वो बहुत स्मॉल है। साइन 2 बीटा का फॉर्मूला होगा 2 साइन बीटा कॉस बीटा, क्योंकि एंगल बहुत स्मॉल है, और स्मॉल वैल्यूज के लिए बीटा की वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली 0 के आसपास है, तो कॉस 0 आपको पता है 1 होता है। तो स्मॉल वैल्यूज ऑफ बीटा के लिए हम कॉस बीटा को 1 मान सकते हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया है। फॉर स्मॉल बीटा दो अप्रोक्सीमेशन चूज किए हैं, 2 बीटा को साइन 2 बीटा लेंगे और कॉस बीटा को 1 लेंगे, क्योंकि स्मॉल एंगल्स के लिए ये अप्रोक्सीमेशन ट्रू होती हैं। तो हम कॉस बीटा की जगह 1 लिख देंगे, तो कॉस बीटा यहाँ से हट जाएगा, तो पीक्यू की वैल्यू आ जाएगी 2 ओ डैश पी साइन बीटा। ये हमारी 5th इक्वेशन आ गई। हमने पी क्यू निकाला, हमने एक वेव वेक्टर का एम्पलीट्यूड निकाल लिया, अब हम निकालेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पी यू बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। तो स्टूडेंट लास्ट सेक्शन में हमने पी क्यू की वैल्यू फाइंड की थी, इसकी वैल्यू फाइंड की थी जो कि निकल गई थी 2 इंटू ओ डैश पी इंटू साइन बीटा। ये हमारी 5th इक्वेशन है। जिस तरह हमने पी क्यू फाइंड किया उसी तरह से ओ डैश पी यू को हम यूज करके, इसको हम आर्क मान के, इसको हम रेडियस मान के ओ डैश पी को, और एंगल हमारा जो होगा इस केस में वो 2n बीटा होगा, क्योंकि हमारी फर्स्ट एंड लास्ट वेव के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 2n बीटा बन रहा है, क्योंकि 2 बीटा से फेज डिफरेंस जो है वो चेंज होता जा रहा है हर एक वेव वेक्टर के बीच में। सिमिलरली हमारा पी यू क्या निकलेगा, वो भी निकलेगा 2 इंटू रेडियस ओ डैश पी इंटू साइन इंटू, यहाँ बीटा लिखा था तो यहाँ पर एन बीटा आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास एन स्लिट्स हैं। तो सिमिलरली पी यू इज इक्वल टू 2 ओ डैश पी साइन एन बीटा। ये हमारी 6th इक्वेशन आ गई, ये हमारा रिजल्टेंट निकल गया पी यू। तो हम डिवाइड करेंगे 6th को 5 से, तो पी यू डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस 2 ओ डैश पी साइन एन बीटा डिवाइड बाई 2 ओ डैश पी साइन बीटा। तो 2 से 2 कैंसिल, ओ डैश पी से ओ डैश पी कैंसिल, तो पी यू की वैल्यू आ जाएगी पी क्यू साइन एन बीटा डिवाइड बाई साइन बीटा। और पी क्यू हमारा क्या था, इसकी 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 हर एक वेव वेक्टर का एम्पलीट्यूड कितना था, ये सोर्स S से निकलने वाला वेव वेक्टर था, और हर एक वेव जो है जो सोर्स S1 S2 S3 से निकलेगी उन सबका एम्पलीट्यूड सेम था, और वो था A sin अल्फा बाय अल्फा के बराबर, फर्स्ट वेव का, सेकंड वेव का, थर्ड वेव का,
सारी की सारी वेव्स जो है वो इतना एम्पलीट्यूड जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी ए साइन अल्फा बाय अल्फा, तो हम पी क्यू की जगह हम लिख देंगे ए साइन अल्फा बाय अल्फा, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकल चुका है इन सभी एंड स्लिट्स के कारण पी पॉइंट के ऊपर, जो कि थीटा एंगल पर डिफ्रैक्ट हुई है सेकेंडरी वेवलेट्स, उनके कारण रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकल चुका है पी पॉइंट के ऊपर। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती है, आई जो होता है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो आई क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर एंड बीटा साइन स्क्वायर बीटा, इस टर्म का हमने स्क्वायर कर दिया हर एक टर्म का। तो स्टूडेंट्स रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी निकल चुकी है पी पॉइंट के ऊपर। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में फाइंड करेंगे इस एक्सप्रेशन को यूज करके, मैं सेवंथ इक्वेशन को यूज करके कि प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन क्या होगी, पी पॉइंट पर जो हमारे पास मिनिमा फॉर्म होगा सेकेंडरी मैक्सिमा फॉर्म होगा उनकी कंडीशंस क्या होंगी, और इंटेंसिटीज क्या रहेंगी सेकेंडरी मैक्सिमा की, क्या वो डिक्रीज होंगी क्या वो प्रिंसिपल मैक्सिमा से कम होंगी ज्यादा होंगी, ये सब देखेंगे हम आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो सर लास्ट सेक्शन में हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल चुके थे पी पॉइंट पर ड्यू टू एन डिफरेंट स्लिट्स जो कि निकल के आई थी आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर साइन एंड बीटा बाय साइन बीटा का होल स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है कि प्रिंसिपल मैक्सिमा पर इंटेंसिटी कितनी होगी और वो कौन कौन सी कंडीशंस पर ओ पॉइंट पर जो है प्रिंसिपल मैक्सिमा फॉर्म होगा। फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा, अगर आपने प्रिंसिपल मैक्सिमा फॉर्म करवाना है प्रिंसिपल मैक्सिमा के ऊपर यहाँ पर फॉर्म होगा इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। ये एक्सप्रेशन कब मैक्सिमम होगा, जब हमारा साइन बीटा जो है वो जीरो हो जाएगा, उस केस में आई जो है वो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा की जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि सेवंथ इक्वेशन का जो डिनोमिनेटर है साइन बीटा दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, साइन बीटा शुड बी इक्वल टू जीरो, तो उस केस में जीरो कब होता है साइन साइन के सारे इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई जो है वो जीरो होते हैं, तो जीरो की जगह आप साइन प्लस माइनस एन पाई लिख सकते हैं, तो साइन से साइन कट जाएगा तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस एन पाई। तो अगर हम ये वाली टर्म उठा लें ये वाली, इसको अलग से सॉल्व करें साइन एन बीटा डिवाइड बाय साइन बीटा, अगर हम बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दें ये वाली प्लस माइनस एन पाई ऊपर भी नीचे भी, तो क्या आएगा साइन कैपिटल एन प्लस माइनस एन पाई डिवाइड बाय साइन प्लस माइनस एन पाई, और साइन के इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, साइन के इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई जो है वो जीरो होते हैं, तो जीरो बाय जीरो फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि एन इंटू एन जो है एक नंबर मिलेगा आपको वो भी एक इंटीजर होगा, तो यहाँ भी साइन का इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बन रहा है वो भी जीरो होगा, और नीचे तो है ही है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वो भी जीरो हो जाएगा, ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगी। अगर मैथमेटिक्स के अंदर जीरो बाय जीरो सिचुएशन आ जाती है तो उस सिचुएशन को हम सॉल्व करते हैं एल हॉस्पिटल रूल लगाकर। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, अगर हमें इस टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें इस पर लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी, और वो लिमिट कितनी होगी, लिमिट बीटा अप्रोचेस टू प्लस माइनस एन पाई, जिस वैल्यू पर जीरो बाय जीरो फॉर्म आ रही है बीटा की वो यहाँ पर लिमिट्स में लेंगे और डेरिवेटिव करेंगे ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी बीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी बाय डी बीटा ऑफ साइन एन बीटा डिवाइड बाय डी बाय डी बीटा ऑफ साइन बीटा, तो साइन एन बीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास कॉस एन बीटा, फिर एन बीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा एन, इसी प्रकार से साइन बीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस बीटा। अब आप पुट कीजिए लिमिट्स यहाँ पर, बीटा की वैल्यू जो है प्लस माइनस एन पाई पुट कीजिए, तो जब आप पुट करेंगे बीटा की जगह प्लस माइनस एन पाई ऊपर भी नीचे भी, तो कॉस के जो इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई होते हैं वो हमारे पास वन होते हैं, कॉस के जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई होते हैं वो प्लस माइनस वन होते हैं, ऐसे भी कॉस के जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे प्लस माइनस वन होंगे, तो एन इंटू जब आप करेंगे यहाँ पर प्लस माइनस वन डिवाइड बाय प्लस माइनस वन, तो ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से सॉल्व करके वैल्यू प्लस माइनस एन आ जाएगी, ये हमारी एट्थ इक्वेशन होगी। तो हमारे पास साइन एन बीटा डिवाइड बाय साइन बीटा की वैल्यू आ चुकी है प्लस माइनस एन। अब आप साइन एन बीटा बाय साइन बीटा की जो वैल्यू आई है प्लस माइनस एन, एट्थ इक्वेशन को यहाँ पे पुट कीजिए कर दीजिए, तो यूजिंग एट इन सेवन, तो आई मैक्स कितना आ जाएगा सेंट्रल पॉइंट पर ओ पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी आ जाएगी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस एन का होल स्क्वायर क्या होगा एन स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी निकल चुकी है। देखिए स्टूडेंट्स सिंगल स्लिट के केस में हमारी इंटेंसिटी इतनी निकल के आ रही थी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है वो इतना निकल के आया था पी पॉइंट के ऊपर सिंगल स्लिट के केस में, तो इंटेंसिटी कितनी होगी इसका स्क्वायर हो जाएगी, और एन स्लिट के केस में इंटेंसिटी कितना निकल के आ रही है एन स्क्वायर टाइम्स निकल के आ रही है जितनी सिंगल स्लिट के अंदर थी, मींस एन स्लिट्स के केस में आपको प्रिंसिपल मैक्सिमा जो है वो एन स्क्वायर टाइम्स ज्यादा इंटेंस दिखाई देता है एज कंपेयर टू प्रिंसिपल मैक्सिमा इन सिंगल स्लिट डायफ्रेक्शन वाले केस के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास इंटेंसिटी निकल आई प्रिंसिपल मैक्सिमा की, इसके बाद हम फाइंड करेंगे कंडीशंस क्या होंगी प्रिंसिपल मैक्सिमा के फॉर्म होने की।
तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी निकाली एम स्क्वायर टाइम्स निकल के आई थी जितनी सिंगल स्लिट की होती है मींस एम स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर नाइन्थ इक्वेशन ये थी क्योंकि हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा की जो कंडीशन थी वो थी बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई और बीटा की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन से क्या निकल के आएगी 2 बीटा अगर 2 पाई बाय लैम्डा a प्लस बी साइन थीटा है तो b क्या हो जाएगा 2 से 2 काट देंगे तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई अपॉन लैम्डा a प्लस बी साइन थीटा तो बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं पाई अपॉन लैम्डा a प्लस बी साइन थीटा तो पाई से पाई कट जाएगा तो a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस n लैम्डा। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ये पाथ डिफरेंस था इन दोनों फर्स्ट एंड सेकंड वेव के बीच में तो जब ये पार्ट डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल होगा लैम्डा का तो उस केस में आपको सेंट्रल मैक्सिमा जो है प्रिंसिपल मैक्सिमा जो है वो देखने को मिलेगा। इसके आने वाले सेक्शंस में हम फाइंड करेंगे पोजीशंस ऑफ मिनिमा पोजीशंस ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा और इंटेंसिटीज का एक्सप्रेशन भी फाइंड करेंगे सेकेंडरी मैक्सिमा के अंदर वो देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शंस के अंदर।